हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यूटोरियल हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट, आपका बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ। और आप जानना चाहते हो कि आपका पार्टनर, आपका सोलमेट, आपका लवर, आपका ट्विन फ्लेम, जिसके साथ भी आप जानना चाहते हो, वो आपके बारे, आपका जो भी पार्टनर है चाहे वो लड़की है या लड़का, वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए और कब लेंगे, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग होगी आपके लिए। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, उस टिक के बटन को, ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त मेरे चैनल पे देखें, ओके। आपके सामने 3 पाइल्स हैं हमेशा की तरह, ठीक है। और उसके ऊपर ब्यूटीफुल जो है ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। आज मैं अपने इयररिंग्स यूज कर रही हूं, तो अपनी मर्जी से जो है आप अपना पाइल चूज कर लो। ये ऑप्शन नंबर 1 है इस इयररिंग के साथ, ठीक है, अगर आपको ये वाला इयररिंग पसंद है तो। ऑप्शन नंबर 2 ये वाला इयररिंग ऑल है, ये उल्लू ऑल, ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये पर्ल वाला ब्यूटीफुल गोल्डन और पर्ल के साथ, ऑप्शन नंबर 3 इयरिंग, ओके। सो अपनी मर्जी से इयरिंग चूज कर लो। आप लोगों के यहाँ पे सिर्फ ऑरेकल्स कार्ड हैं और मैं हर पाइल के बाद में खुद आज यहाँ पे लाइव जो है आपके सामने टैरोट की रीडिंग करूँगी कि आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, क्या एक्शन लेगा और कब लेगा, ठीक है। सामने आपके बिल्कुल मैं हर पाइल की करूँगी। ये सिर्फ ऑरेकल्स कार्ड हैं जो बताएंगे इस आपके पार्टनर की अभी वाली फीलिंग क्या है और क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये वाला जो है वो इयरिंग चूज़ किया है, देख लेते हैं आपका पार्टनर है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और क्या एक्शन वो लेंगे। इस वाले मैसेज से हमारे पास नंबर 35, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लिव्स इंक्लूडिंग योर ऑन, ओके। सो आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हो, आप बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हो, आपने कभी स्टडी किया, जॉब किया, किसी तरह से आपका लिंक ज़रूर है, फ्रेंडशिप ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में। हमारे दरमियान है पैशन, हमारे पास हनीमून, फ्लर्ट, ओके। और इस वाले ओरेकल से है कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कंसर्निंग अ मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। सो डेफिनेटली सम आप लोग, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका फ्रेंड है, आप जानते हो इसको ऑलरेडी, मतलब एज अ फ्रेंड है ये, आपको या फ्रेंड देख रहा है या आपका फ्रेंड हो सकता है और आप उसके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्रेंड में या आप दोनों के दरमियान में फ्रेंडशिप, क्योंकि कॉफ़ी कप भी यही बता रहे हैं कि आपका फ्रेंड्स है ये, फ्लर्ट करे उसके साथ और आप चाहते हो कि फिर हमारे पास अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आपका पार्टनर जो है वो एक न्यू स्टार्ट चाहता है आपके साथ, आपके साथ फिर से हो सकता है फ्लर्ट करना चाहे, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये नया नया भी आपका मतलब लव भी हो सकता है, मतलब आप एज अ फ्रेंड बने, एक दूसरे के साथ आपने फ्लर्टिंग स्टार्ट की, हो सकता है ऑनलाइन या वैसे एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की, फ्रेंड बने, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट की और आप जानना चाहते हो कि ये पार्टनर जो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, ठीक है। और आपका हो सकता है नो कॉन्टैक्ट ना हो, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, ये इंसान आपके दरमियान में जो फ्रेंडशिप है, ये जो फ्लर्ट वाला कनेक्शन है, इसको बनाए रखना चाहता है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे लगता है एक दूसरे की तरह सेम हो, ठीक है। आप दोनों की जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो आप लोगों के डिज़ायर्स हैं, जो आप लोगों की सोच है वो एक जैसी है, आप लोग क्या करना चाहते हो, आपका पैशन लोगों के लिए, अपने लिए, वर्क के लिए, फैमिली के लिए एक जैसा है, आप लोगों की सोच एक जैसी है जो आप लोगों को मिलाती है, ठीक है। हनीमून का मतलब ये है कि ये पार्टनर आपके साथ बहुत पैशनेट है और ये नया नया, मुझे तो नया नया लव लग रहा है, नया नया रिलेशनशिप, नया नया स्टार्ट किसी के साथ, जैसे फ्लर्टिंग चल रही हो, किसी को फ्रेंड बनाना, उसके साथ घूमना फिरना, लव होना, कभी बात करना कभी ना करना, इस तरह का नया नया मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। और ये कनेक्शन भी आपको बता रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप आपके लिए चेंज होने वाला है, कुछ लोगों के लिए आप इसी फ्रेंड को अभी जानते हो, उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो, फ्रेंड बने हो, आप मिलना चाहते हो इस इंसान को, फिर आप सोचोगे कि रिलेशनशिप को किस लेवल पे लेके जाना है। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी इस पार्टनर को जानते हो और आप इसके साथ हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहता है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहता है, एक नया रिलेशनशिप चाहता है और वो ये जो नया नया रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में स्टार्ट होगा, वो बहुत आपको ऐसे फील होगा कि आप दोबारा से एक लव वाली एनर्जी में आ गए हो। ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है आपके लिए और वो बताना चाहता है आपको कि ये लव क्यों फील हो रहा है उसको, वो मिलना चाहता है आपसे, कॉफ़ी कप, एक कॉफ़ी डेट पर, या कप उसकी चाय की डेट पर, या वैसे मिलना, खाना पीना बाहर, डिनर या डेट, अभी तो आप कर नहीं सकते हो लंच पर या कहीं पर भी जा नहीं सकते हो क्योंकि हम लॉकडाउन है, तो ये इंसान सोच रहा है न्यू स्टार्ट ही करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, फिजिकली ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, अपने रिलेशनशिप को एक और लेवल पे लेके जाना चाहता है। और अगर आप इसका ये कोई नया स्टार्ट है किसी के साथ, नए कोई नया इंसान है जिससे आप फ्लर्ट कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा आप दोनों के दरमियान में, जो मुझे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप आगे बढ़ने के
चाची से, जो भी इंसान है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, एक नया साइकिल चाहता है, आपके साथ डेट करना चाहता है, फ्लर्ट, घूमना फिरना, यू नो, क्योंकि ये इंसान आपको बिल्कुल अपनी तरह देखता है, आपको बेस्ट फ्रेंड देखता है, आपको उसको लगता है कि आप और वो एक जैसे हो, ठीक है। तो देख लेते हैं ये इंसान जो है एक्शन क्या लेगा आपकी तरफ, ठीक है, और क्या आपको कहना चाहता है, ठीक है, और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में, आपके लिए फीलिंग्स क्या है। टैरोट से आप देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए इस वक्त। वाओ, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप हो सकते हैं ये वो। डेफिनेटली ये इंसान आपसे लव करता है, उसको बहुत ज़्यादा, उसको वो, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है। आप दोनों वाटर साइन भी हो सकते हो। ये वाला कार्ड आया, मैं लूँगी क्योंकि हमने देखा। हमारे पास है डेस्टिनी, नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके लिए तो मुझे लगता है किस्मत का पहिया घूमने वाला है, न्यू स्टार्ट, और ये वाला कार्ड भी यही बता रहा है, न्यू स्टार्ट, चेंज। तो कुछ लोगों के लिए ये नया इंसान भी हो सकता है, आपका सोलमेट, ये नया इंसान भी हो सकता है जो आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ बाहर जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, और आप दोनों के दरमियान में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और कुछ लोगों के लिए, आप अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, आप दोनों के दरमियान में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मुझे बहुत फ्रेश और न्यू एनर्जी लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लाइफ में चेंज होने वाला है, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, बहुत जल्द आप किसी के साथ लव में होगे या डेट करोगे या किसी के साथ रिलेशनशिप में होगे, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो या एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है, या आप हो सकता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप यू नो, और आप एक दूसरे के साथ हो सकता है बचपन से जानते हो, आपने स्टडी इकट्ठे किया हो, आपने वर्क इकट्ठे किया हो, किसी तरह ऐसा लिंक ज़रूर है आप दोनों के दरमियान में जो आप एक दूसरे को जानते हो, और ये इंसान आपके साथ डेट करना चाहता है। तो आप देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स। तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा लव कर रहा है आपसे, फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ये एक नया स्टार्ट चाहता है आपके साथ, और सिर्फ आपके साथ घूमना फिरना और बाहर जाना चाहता है, वो हमने पहले भी देख लिया है। ये डेफिनेटली इंसान आपको डेट करना चाहता है, बाहर लेके जाना चाहता है। एट ऑफ कप्स रिवर्स, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास से आ रहा है। एट ऑफ कप्स, आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ दिया और ये वापस आना चाहता है। एट ऑफ कप्स रिवर्स, सो वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ये इंसान पास से आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सो हाँ, हो सकता है अर्थ साइन भी हो सकता है। तो ये हो सकता है ये इंसान ने आपको छोड़ के गया, हो सकता है पैसों की वजह से, पैसों का इशू था, कैरियर का इशू था, जॉब का, कुछ लोगों के लिए मदर इशू भी था, ये इनकी मदर नहीं चाहती थी, या फैमिली इशूज भी थे जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गया, और अब वो वापस आना चाहता है ये इंसान। और कुछ लोगों को, अगर आप लोग मैरिड लोग ये देख रहे हैं और आपको जानना है कि ये इंसान क्या फील करता है कि नहीं, हो सकता है आप शादीशुदा कपल हों और आप एक दूसरे से सेपरेट हों, तो ये इंसान वापस आ रहा है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड वापस आना चाहता है, एक नया साइकिल और एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या लेंगे, वो आपके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं आप, ठीक है, कब लेंगे और क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि मुझे यहाँ तीन लोग नज़र आ रहे हैं, एक किंग और दो क्वींस। तो हो सकता है ऐसे इंसान आपको किसी और के लिए छोड़ के गया था, ठीक है, किसी और को डेट किया, किसी और को चूज़ किया, या किसी और के लिए, कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान अब वापस आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। मुझे ऑटम में नज़र आ रहा है, ऑटम में ये इंसान आपसे एक्शन लेगा, तो देखते हैं कब लेगा। हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली मैंने कहा ऑटम में या फॉल में, मतलब 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, और 6 दिन भी किसी के लिए हो सकते हैं। सिक्स इज़ नंबर बैलेंस, तो डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन है कुछ लोगों के लिए जो पास से आपका पार्टनर आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि कब लेगा मैंने जब ये पूछा तो 6 आया है, तो डेफिनेटली 6 कुछ बता रहा है यहाँ पे, 6 डेज, 6 वीक्स या 6 मंथ्स, और ये भी हो सकता है कि 6 मंथ्स जो है वो जून होता है, ठीक है, तो जून के महीने में भी आ सकता है ये इंसान आपके पास, लेकिन ये एक्शन ज़रूर लेगा इंसान। क्यों ने वॉन्ट, ये एक्शन लेने के उसमें है, और ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेगा, और ये ऑटम में भी ले सकते हैं। ऑटम का सीज़न कब होता है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में, या फॉल में, ठीक है, जब पत्ते वर्गे घिरे होंगे और ऑटम होगा, बहुत शाइनी डेज में हो सकता है, मुझे नज़र आ रहा है। फायर सीज़न में भी हो सकता है ये इंसान आए, सेजिटेरियस के सीज़न में भी आए, या एरीज तो गुजर गया, या लियो सीज़न में भी आ सकता है ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करने, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे एक्शन लेगा और वापस आना चाहता है, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ, अगर ये पास से है तो रिकनसाइल करना चाहता है, और अगर ये नया इंसान है तो ये डेफिनेटली आपके अंदर इंटरेस्टेड है और आपके रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये ऑल चूज़ किया है उल्लू वाला जो है वो एयरिंग, तो देख लेते हैं आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहा है और क्या एक्शन लेगा। उनके ये ऑरिकल्स हैं, मैं फिर बाद में टैरोट से देखूंगी। हमारे पास है नंबर 41, डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। ये इंसान आपकी अटेंशन चाहता है, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग,
तो हाँ डेफिनेटली समन आपके पास से, जो भी आपका पास्ट लवर है या आपका एक्स है, वो आपसे अटेंशन चाहता है, आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, ट्रस्ट. सो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये इंसान आना चाहता है, आप पे ट्रस्ट करना चाहता है, प्लेफुलनेस, या ये इंसान आपको दोबारा से डेट करना चाहता है. ये आपका एक्स लवर है या आपका पास्ट लवर है, अगर आप इसके लिए दुआ मांग रहे हो, ट्रस्ट करते हो कि ये इंसान आएगा तो ये ज़रूर आएगा, आपको डेट करेगा, ये इंसान आपकी अटेंशन चाहता है, ये इंसान आपसे अटेंशन चाहता है, वो लव चाहता है जो आप दोनों के दरमियान में था पहले. फिर हमारे पास द रनर. सो डेफिनेटली ये इंसान वो है जो आपसे भाग के गया था, या आप इससे भाग के आए हो, आपने रिलेशनशिप छोड़ा किसी और वजह से, क्योंकि ये हो सकता है ये इंसान प्लेफुल था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, या वो सीरियस नहीं था, इस वजह से आपने उसको रिलेशनशिप छोड़ा उसके साथ, लेकिन ये रनर है, जो भी था, आप रन करके आए हो उससे या वो आपसे रन करके आया है. फिर हमारे पास पर्सनल इश्यूज़ रीचेज रेजोल्यूशन बट इट्स केम अप रिवर्स. सो डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ ज़रूर हैं इस इंसान को अभी भी, ठीक है, अभी भी ये अपने फीलिंग से भाग रहा है हो सकता है, या रिलेशनशिप से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, या आपसे भाग रहा है, तो जब इसको भागने दीजिए, ये खुद वापस आएगा इंसान. ये इंसान आपकी अटेंशन चाहता है, आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये इंसान आएगा, अगर आपको वेट है इस इंसान का, तो ये डेफिनेटली वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, या आपसे आपका पार्टनर ये वो है जो आपसे भाग रहा है, अपनी फीलिंग से भाग रहा है, कैंसर भी हो सकता है ये इंसान, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, और आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि ये इंसान आएगा, लेकिन ये वो इंसान है जो कमिटमेंट से भागा, आपसे भागा, अपनी फीलिंग से भी भागा हो सकता है, या आप इससे भाग के आए, बिकॉज क्योंकि वो इंसान बहुत इमेच्योर था, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये इंसान आपकी अटेंशन चाहता है. तो अब देख लेते हैं इस इंसान की टैरो से इसकी फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान की, ये आपसे क्या कहना चाहता है, इस इंसान की इस वक्त फीलिंग क्या है, ठीक है, और आपसे क्या एक्शन लेगा आपके लिए. देख लेते हैं पहले फीलिंग्स क्या हैं. हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स रिवर्स. डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया बात करना, और थ्री ऑफ कप्स का ये भी मतलब होता है इस इंसान की बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थी, या इंसान बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा था, तो इसलिए शायद आपने छोड़ दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके दरमियान में, या अभी भी ये हो सकता है इंसान जो है किसी से डील कर रहा है, अगर ये इस वजह से है तो. मुझे लगता है डेफिनेटली इस इंसान, या नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, हमारे पास वाटर भी है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, तो ये डेफिनेटली इंसान जो है प्लेफुल था, बहुत ज़्यादा प्लेफुल, और नाइट ऑफ वांड्स डेफिनेटली आपको लगा इस इंसान ने आपके साथ प्ले किया, आपके साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, तो इस इंसान की एनर्जी ऐसी है. हो सकता है आपसे एज में छोटा हो ये इंसान, ज़रूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है, फ्लर्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़कियों से, लड़कों से बातें करना, ये लड़की अगर है तो, मतलब उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद इस वजह से आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे इस इंसान पे. हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड. डेफिनेटली ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है. आप दोनों एक सेम एज के भी हो सकते हो, ठीक है, सेम एज के भी हो सकते हो आप दोनों, ठीक है, आप दोनों, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत एज का भी फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत एज का फ़र्क होगा. मुझे लगता है ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और एक्शन लेके आपके पास, टू कार्ड्स नाइट्स के बता रहे हैं, तो ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, वापस आना चाहता है आपके पास. टू ऑफ वांड्स, हाँ, हो सकता है इस इंसान को अभी डिसीजन लेना है. ये इंसान ये भी सोच रहा है कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, अगर ये आपसे कम्युनिकेशन करेगा या वापस आएगा तो. तो देख लेते हैं ये इंसान क्या एक्शन लेगा, अब उसका क्या प्लान है, क्या वो प्लान कर रहा है. डेफिनेटली ये इंसान आने की कोशिश कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, हो सकता है आपसे दूर हो इस वक्त. तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेगा और क्या कहना चाहता है आपसे. एक्शन, एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. डेफिनेटली ये इंसान पहले स्टक था, इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या है. ये इंसान ज़रूर अगर आपसे भाग रहा है, अपनी फीलिंग से भाग रहा है, तो ये इस चीज़ से निकलेगा. एट ऑफ सोर्ड, इस इंसान को समझ नहीं आ रही थी कि आपने कम्युनिकेशन करना क्यों छोड़ दिया, और आपने उनको क्यों छोड़ा, या आप उनसे भाग के क्यों गए, या वो आपसे क्यों भाग रहे हैं. डेफिनेटली इस इंसान को रियलिटी मिलेगी, इसको क्लैरिटी मिलेगी, तो ये इंसान ज़रूर डिसाइड करेगा. ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है आप डिसीजन लेने के लिए, आपके पास आने के लिए. एयर साइन भी हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, और वाटर भी. एक्शन देख लेते हैं क्या करना क्या चाहता है. ना पेज ऑफ सोर्ड रिवर्स, हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा हो सोशल मीडिया पे, स्टॉक कर रहा हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, तो ये काफ़ी हो सकता, डेफिनेटली जो आप पास से आ रहा है, तो हो सकता है उसको ये शक हो कि आप किसी और के साथ तो डेट नहीं कर रहे हो, आप किसी और के साथ तो नहीं हो, ठीक है. कब लेगा एक्शन देख लेते हैं आप.
द वर्ल्ड रिवर्स. मुझे लगता है इस इंसान को अभी शायद हो सकता है या आपसे बात नहीं कर सकता ना मिल सकता है, क्योंकि ये आपसे भाग रहा है या आप इस कनेक्शन से भाग रहे हो. जो भी है द वर्ल्ड रिवर्स, इसका मतलब ये है कि ये इंसान अभी रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए. और ये भी बात हो सकती है कि ये अगर ये इंसान आपसे दूर रहता है, मतलब आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो इस इंसान ये सोच रहा है, इस इंसान के हाथ में वर्ल्ड है और ये वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली इंसान आपसे दूर है या इमोशनली दूर है. ये इंसान अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच नहीं रहा है, ठीक है, इसको सोचने की ज़रूरत है. द वर्ल्ड, अगर ये आपसे दूर रहता है तो अभी इस इंसान को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन वो आएगा ज़रूर, एक्शन ज़रूर लेगा, आपसे बात ज़रूर करेगा. ये इंसान करना चाहता है, एक्शन लेगा और आपसे बात करना चाहता है. मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करेगा. हो सकता है स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न तो अब चल रहा है, या समर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं एक और एक्शन का कार्ड देखूँगी कि कब करेगा आपसे. या फोर, हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स, सो हो सकता है 4 months लग जाएं या 4 years लग जाएं. 4 years तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कुछ, लेकिन कुछ लोगों के लिए अब मेरे मुंह से निकला है तो हो भी सकता है. 4 months हो सकते हैं, 4 days हो सकते हैं, 4 weeks भी हो सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं इस इंसान को आने के लिए, ठीक है. लेकिन ये इंसान सोच रहा है आने के लिए, अभी इस इंसान को टाइम चाहिए एक्शन लेने के लिए, ये भी रेडी नहीं है इंसान एक्शन लेने के लिए. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 nights हैं, ठीक है, 1-1, तो हो सकता है 11 months में या 1 year में भी किसी के लिए हो, किसी के लिए 2 months भी हो सकते हैं. लेकिन किसी के लिए जल्दी आ सकता है ये इंसान, जल्दी 2-4 months में आ सकता है या 2-4 weeks में आ सकता है, और किसी इंसान के लिए ये बहुत देर से भी आएगा, क्योंकि अभी इस इंसान को हो सकता है वो किसी, अगर वो थर्ड पार्टी में है तो उनको डील करना पड़ेगा, उनको पहले उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, किसी के साथ साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, किसी को लाइफ में से निकालना पड़ेगा तभी जाके, या जो भी उनको प्रॉब्लम है उस चीज़ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को डिसीजन लेना है. ये इस इंसान की एनर्जी है, इस इंसान को डिसीजन लेना है, ठीक है. तो ये इंसान जो है डेफिनेटली हर्मिट हो सकता है, अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं किया या आपको छोड़ के चला गया बिन बताए, हो सकता है घूस्ट किया आपको और आपको पता भी नहीं है ये इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेटली. तो आप वेट कीजिए इस इंसान का, अगर कर सकते हैं तो, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए जल्दी आएगा और कुछ लोगों के इंसान के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और मज़ीद. लेकिन ये इंसान आपकी अटेंशन चाहता है, ये चाहता है कि आप उसको देखें, उससे बात करें, या शायद उसको ये पसंद है कि आप ही हमेशा उसकी तरफ आएँ और एक्शन लें, ठीक है. लेकिन वो रिकनसाइल करना चाहता है आपसे, ठीक है. तो ये है आपके पार्टनर की रीडिंग. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए. मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में. बाय गाइज. हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला इयरिंग चूज़ किया, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं. ये ओरिकल्स हैं नंबर 32, रिलेशनशिप पैटर्न्स. इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. तो ये डेफिनेटली इंसान हो सकता है इस वक्त चेंज से गुजर रहा हो. इट इज़ सेफ टू लव, या इंसान को, इस इंसान को बिलीव करना चाहिए कि ये जो आपके साथ लव है उसको सेफ है. हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है इस इंसान को. Forgiving and learning, तो हो सकता है उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ इस वजह से वो शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. वेरी सून, लेकिन वो बहुत जल्द एक्शन लेंगे. वो डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, इस लव पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको इससे पहले कुछ पास्ट से निकलना होगा. अपने आप को हील करने की कोशिश है यहाँ पे इस इंसान को. हमारे पास है गर्ल टॉक, तो हो सकता है अगर आप लड़के हैं तो ये गर्ल है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि ये लड़की आपके बारे में क्या सोच रही है. तो हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड्स को बता रहा हो, अपनी फ्रेंड्स लड़कियों को या बॉयज़ को, अगर वो लड़का है तो वो फ्रेंड्स को बता रहा है आपके बारे में, उनसे मशवरा लेने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या करूं. डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में बात कर रहा है किसी और से. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड बट इट्स केम अप रिवर्स. सो डेफिनेटली इस इंसान को एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है लाइफ में, इस इंसान को डिसीजन लेने की ज़रूरत है. इस इंसान को पता है कि इस इंसान को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके रिलेशनशिप आपका चेंज होगा. ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है कि मतलब इस इंसान को आपकी तरफ आना होगा, बात करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, ट्रैवल करना होगा, या ये भी हो सकता है इस इंसान को अपना पास्ट भूल कर, चेंज करके, अपने ट्रस्ट इशूज़ पर वर्क करके आपके पास आना होगा. कुछ ज़रूर है इस इंसान की लाइफ में जो इसको चेंज करना है, तभी जाके आपके साथ रिलेशनशिप हो सकता है. तो ये इस इंसान की एनर्जी है इस वक्त. तो देख लेते हैं आप टैरो से कि ये इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए, क्या एक्शन लेगा और कब लेगा, ठीक है. डेफिनेटली मुझे लगता है आपको पता है कि ये इंसान को चेंज होना है. इस इंसान को आपका पास भी हो सकता है, ठीक है, ये इंसान, क्योंकि फॉरगिव की ज़रूरत है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है अगर इस इंसान ने कोई गलती की है तो, लेकिन इसको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है. इस इंसान को चेंज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके साथ रहना तो. और इस इंसान को पता है कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलते हैं. हो सकता है ये उनका हर रिलेशनशिप में वो ऐसे ही करते हों, तो उनको ये चेंज करना होगा. मतलब उनको ट्रस्ट नहीं होता है लोगों पे, उनको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है लोगों पे. इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. इस हो सकता है जो इस इंसान ने धोखा किया या इसने इंसान ने लोगों को धोखा दिया, तो जो भी हो सकता है, क्योंकि
समटाइम हम किसी को देते हैं धोखा, समटाइम हम खाते हैं धोखा, तो इस इंसान के साथ जो हुआ या इस इंसान ने किसी और के साथ जो भी किया, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है अपने आप को। देख लेते हैं इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं टैरोट से। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, अर्थ साइन हो सकता है। एट ऑफ कप्स रिवर्स, 2-8 हो गया, तो आप 8-8 हो सकता है देख रहे हो, या 8 कोई सिग्निफिकेंट नंबर होगा, इनकी बर्थडे होगी या लाइफ पाथ नंबर होगा 8 से, या 8 मंथ से आप बात नहीं किए हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सो स्ट्रांगली अर्थ साइन है यहाँ पे। ये इंसान बहुत फोकस है अपने वर्क पे, या इस इंसान के पास इतना पैसा है जो इसको ये खौफ है कि हो सकता है आप सिर्फ उसे लव नहीं करते हो, आपको उसका पैसे की ज़रूरत है, या ये इंसान इतना स्टेबल होना चाहता है, अपने कैरियर पे इतना फोकस है कि इसको अभी ये समझता है कि इसको अभी लव की ज़रूरत नहीं है, इसको कैरियर पे फोकस होना चाहिए। ये भी इंसान, ये भी हो सकता है। एट ऑफ कप्स रिवर्स, ये डेफिनेटली इंसान आपके पास वापस आना चाहता है अगर आपने इसको छोड़ा है तो। आपने छोड़ दिया इस इंसान को सिर्फ इसी वजह से कि ये इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था या अपने वर्क पे, ठीक है। ये डेफिनेटली आपका पास्ट है, आपने छोड़ा इनको, आप डेफिनेटली इनके साथ नहीं हो, लेकिन वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको चेंज होना पड़ेगा। डेफिनेटली चेंज चाहिए इस इंसान को, चेंज कुछ लाइफ में ज़रूर करना होगा तभी जाके चेंज होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस करने की, तो हो सकता है वो उस वक्त रेडी नहीं थे आपके साथ उस वक्त रिलेशनशिप में, लेकिन क्योंकि हो सकता है ये इंसान सिर्फ सिंगल रहना चाहता हो, ये भी इस इंसान की प्रॉब्लम है। ये इंसान को रिलेशनशिप भी चाहिए आपके साथ, लेकिन वो सिंगल भी रहना चाहता है, उसको अपना फ्रीडम भी बहुत प्यारा है। तो ये बहुत इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस इंसान को चेंज होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलते हैं रिलेशनशिप। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, या ये इंसान आपको ज़रूर फोकस करेगा, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स से एस ऑफ पेंटिकल्स ये टोटल हो गया 10, 9+1 10, तो ये डेफिनेटली इंसान चाहता है कि फैमिली हो, लेकिन हो सकता है ये अभी रेडी ना हो रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो ठीक है ना, शायद इसलिए ये इंसान, मैं फिर बता दूँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस है, पैसों पर फोकस है, मटेरियल लाइफ पर फोकस है। आपको लव चाहिए था, लेकिन ये इंसान रेडी नहीं था, इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं था या ओपन अप नहीं था। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान सिंगल भी रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट भी इस इंसान को बहुत पसंद है, फ्रीडम भी बहुत पसंद है, लेकिन उसको लव भी चाहिए आपसे। तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता जब तक ये इंसान चेंज नहीं होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ज़रूर आपको कुछ ऑफर करेगा, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है टॉरस सीजन में करे, मई या जून में, ठीक है, या एक साल भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, एक महीना, एक साल, तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेगा और कब लेगा ये इंसान जो भी है। टू ऑफ पेंटिकल, या ये इंसान जगलिंग कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि आपसे बात करूं या ना करूं, इस इंसान का ये चल रहा है दिमाग में अभी, लेकिन ये आपको करेगा एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 2 से 1 पे आ गए हम, तो डेफिनेटली ये लेगा एक्शन। इस वक्त ये जगलिंग करे, इसको समझ नहीं आ रही आपसे बात करे ना करे, वापस आए ना आए, आपके साथ डेट करे ना करे, क्योंकि इस इंसान को ज़रूरत नहीं है नाइन ऑफ पेंटिकल्स डेटिंग की। ये इंसान अगर अकेला भी रहेगा ना तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी अटैचमेंट है आपके साथ, इसलिए मैं बता दूँ इस इंसान को ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ये सिंगल रहना चाहता है इंसान। स्ट्रेंथ लियो, तो लियो के सीज़न में आ सकता है ये इंसान, ठीक है, लियो भी हो सकता है आपका ये पार्टनर। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, वाटर भी है, कोई साइन भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन लियो बहुत स्ट्रांग है, तो लियो सीज़न में आ सकता है ये इंसान। और लेकिन यहाँ पे नंबर 8 है, तो 8 आपके पास 888 है, 888, तो 8 जो होता है वो मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड होता है, आपका रिलेशनशिप ज़रूर फॉरवर्ड होगा, आगे मूव होगा, ये इंसान खुद डिसीजन लेगा इसको क्या करना है। 8 मंथ्स हो सकते हैं, 8 मंथ्स जो है साल का जो 8वां महीना होता है उसमें भी आ सकते हैं, जो अगस्त होता है, और लियो सीज़न में भी आ सकता है ये इंसान, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऑटम में नज़र आ रहा है, क्योंकि अर्थ बहुत एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग अर्थ एनर्जी है, और जहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत हो, जो इंसान बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है, सोच समझ के आएगा, क्योंकि इस इंसान को अगेन बता दूं, ये लड़की है ये लड़का, इसको ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को अपने अकेला रहना बहुत पसंद है, अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, या अगर वो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, अगर आप मैरिड पार्टनर हैं और जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है, जो आपका हस्बैंड है या वाइफ है, वो क्या चल रहा है, आप सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, तो ये इंसान अभी बहुत फोकस है अपने वर्क पे, लेकिन आपके पास आएगा वापस कैरियर पे और अपनी फैमिली पे। ये इंसान बहुत जगलिंग करता है और कर रहा है अभी तक, कन्फ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करे, लेकिन फिर भी वो आपके पास हिम्मत करके ज़रूर आएगा, डिसीजन ज़रूर लेगा। इस डिसीजन इस इंसान पे बेस करता है, आप पे कुछ नहीं है, आप तो छोड़ चुके हैं, आप इसके साथ हो ही नहीं, आपको सिर्फ इस इंसान का वेट है कि ये कब एक्शन लेगा। तो ये डिपेंड करता है इसी इंसान पे ही कि वो कब रेडी होगा, वो कब आएगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है 8 मंथ्स 8 वीक्स 1 ईयर या 1 मंथ, किसी के लिए 2 मंथ्स या 2 ईयर्स भी हो सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, 2 मंथ्स 2 वीक्स 2 ईयर्स 2 8 1, ये सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए,
आपकी मर्जी, आप कितना वेट करो। लेकिन ये पाल नंबर 3 वाले, आपका सारा डिपेंड इस इंसान पे है। जब ये एक्शन लेगा तो ही आपका रिलेशनशिप आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। अगर आप वेट करते रहोगे तो ये आपकी मर्जी है, नहीं करोगे तो अपनी लाइफ पे फोकस करो। आपको अपने ऊपर कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत है, वरना इस सब कुछ डिपेंड इस इंसान पे है कि वो रेडी होगा तो आपका रिलेशनशिप आगे होगा, नहीं होगा तो इस इंसान को चेंज की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़।